नमस्कार दोस्तों, मैं विमलेश गौतम और आप देख रहे हैं ट्रिपल बी ओवरसीज। दोस्तों, अभी हमने कुछ दिन पहले जो पोलैंड के लिए रिक्वायरमेंट शेयर की थी, अभी हमारे पास में पोलैंड की और भी रिक्वायरमेंट्स आने लगी हैं और कुछ रिक्वायरमेंट्स ऐसी हैं जो आने वाले टाइम पर रेगुलर होने वाली हैं। सो दोस्तों, कुछ वैकेंसी हैं जिसमें से कुछ अर्जेंट हैं और कुछ ऐसी हैं जो रेगुलर रहने वाली हैं। मैं आपको डिटेल इन्फॉर्मेशन शेयर करता हूं मैं। और पोलैंड के लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि अभी रेगुलर रिक्वायरमेंट रहेंगी और इसमें से रेगुलर सबमिशन भी होगा, वीज़ा भी आएगा, क्योंकि अभी पोलैंड का काम चालू है। और पोलैंड में, पोलैंड कंट्री के अंदर की बात करेंगे तो वहाँ कोरोना का इफेक्ट काफ़ी हद तक कम हो चुका है। और वहाँ पर अभी, वहीं पर हमने जब बात की थी तो हमें इस चीज़ का मिस नॉलेज हुआ, पता चला कि वहाँ पर मास्क भी कंपलसरी नहीं रखा। नॉर्मल ट्रांसपोर्ट चालू हो गया, लोग जो नॉर्मल लाइफ, जो डेली रूटीन, जो काम चलते थे, वो सारे काम चालू हो गए हैं। वहाँ से वर्क परमिट निकलना भी चालू हो गया। वर्क परमिट हमारे पास में भी लॉकडाउन के पीरियड में 14 मई को आया था, जो मैंने आपको पोस्ट के जरिए शेयर किया था। सो मीन्स ये है कि जहाँ दूसरे देश बंद हैं लेकिन पोलैंड का काम चालू है। सो दोस्तों, पोलैंड की रिक्वायरमेंट में डेफिनेटली बढ़ोतरी हुई है और हमारे कुछ ऐसे क्लाइंट बने हैं जिसमें रेगुलर बेस पर रिक्वायरमेंट रहने वाली है। और खास तौर से कुछ वैकेंसी ऐसी हैं जो कंटिन्यू रहने वाली हैं, पूरे साल रहने वाली हैं, उन वैकेंसीज के लिए। और जो अभी अर्जेंट है, जिसमें तुरंत सबमिट करना है, वो वैकेंसी की भी मैं आपको डिटेल इन्फॉर्मेशन देता हूं मैं। हमारे पास में जो रिक्वायरमेंट है वो ग्लास फैक्ट्री के लिए है, फिश फैक्ट्री के लिए है और चिकन फैक्ट्री के लिए है। ग्लास फैक्ट्री के लिए जो रिक्वायरमेंट है, उसमें से कैंडिडेट्स को ग्लास फैक्ट्री में काम करना आना चाहिए। तीनों प्रोफाइल्स के लिए मैं आपको डिटेल इन्फॉर्मेशन देता हूँ। हमारे पास में जो अर्जेंट रिक्वायरमेंट है वो सोफा मेकर के लिए है। सोफा मेकर के लिए जो रिक्वायरमेंट है, इसमें कैंडिडेट को गल्फ एक्सपीरियंस होगा तो उनको वेटेज मिलेगा। अगर उनको गल्फ एक्सपीरियंस नहीं है, इंडिया में सोफा बनाने का नॉलेज है, एक्सपीरियंस है, काम आता है, तो डेफिनेटली उनको भी पुट कर सकते हैं। एज लिमिट रहेगी 20 साल से लेकर 35 साल के बीच में। वैसे तो 40 तक ट्राई कर सकते हैं, लेकिन 35 तक ज्यादा प्रायोरिटी दी जाएगी। और इसमें से जो मिस बाकी बेसिक क्राइटेरिया है, क्वालिफिकेशन की रिक्वायरमेंट नहीं है, कंपलसरी नहीं है कि क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, लेकिन इंग्लिश थोड़ी बहुत आना चाहिए क्योंकि VFS में फाइल सबमिशन हो सके, इतनी इंग्लिश कंपलसरी है। इसमें सैलरी होगी, सैलरी सोफा मेकर के लिए बेसिक जो सैलरी होती है जो 1800 पोलिश जिलोटी होती है, 1800 पोलिश जिलोटी जो कि इंडियन करेंसी में 35,500 के लगभग होती है। लेकिन अगर हम बात करते हैं ऑन एवरेज सैलरी की, तो ऑन एवरेज सैलरी वहाँ पर 3000 पोलिश जिलोटी होती है जो कि इंडियन करेंसी में 57,000-58,000 के लगभग आती है। और इसमें से जो टॉप परफॉर्मर है, जो मेहनती लोग हैं, जो ओवरटाइम अच्छा करते हैं और रिजल्ट अच्छा देते हैं, प्रोडक्शन अच्छा देते हैं, तो उनकी सैलरी 6000 पोलिश जिलोटी तक होती है। 6000 पोलिश जिलोटी का मतलब होता है कि लगभग 1,18,000 रुपए के आसपास में होती है। मीन्स 3000 होती है वो लगभग 59,000 के लगभग होती है और 6000 लगभग 1,18,000 इंडियन रुपये के बराबर होती है। इसमें फूड खुद अरेंज करना होगा, एकोमोडेशन अरेंजमेंट होटल में होता है जिसमें से डबल या ट्रिपल शेयरिंग होती है, डबल शेयरिंग या ट्रिपल शेयरिंग जो भी हो, लेकिन एक व्यक्ति का पर हेड कॉस्ट रहेगा इसमें 500 पोलिश जिलोटी। मीन्स कैंडिडेट को फूड भी अरेंज करना है और एकोमोडेशन भी अरेंजमेंट करना है, अरेंजमेंट उसका 500 पोलिश जिलोटी उनको पे करना पड़ेगा। और उसमें से जो उनका मिस इनकम वाला पार्ट है, इनकम वाला पार्ट ऐसा नहीं कि इसमें बहुत एक दो लोग ही 6000 तक अर्न करते हैं, मैक्सिमम मेहनती लोग जो ज़्यादा काम करते हैं, ओवरटाइम ज़्यादा करते हैं, रिजल्ट अच्छा लाते हैं, फुर्तीले होते हैं, वो लोग मैक्सिमम लोग 6000 पोलिश जिलोटी कमाते हैं। तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि जो इनकम होती है वो इनकम उनकी 3000 से लेकर 6000 के बीच में होती है। अब जो जैसी मेहनत करेगा उसको वैसा मिलेगा। इसमें सोफा की क्वांटिटी के ऊपर रहता है, रिजल्ट के ऊपर होता है, उनकी सफाई के ऊपर होता है। इसमें 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट रहेगा, 2 ईयर के कॉन्ट्रैक्ट, उसके बाद अगर अच्छा रहेगा तो उसको रिन्यू भी करेंगे। रिक्वायरमेंट काफ़ी अर्जेंट है और जिनको सोफा बनाने का नॉलेज हो सिर्फ वही लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं। वैकेंसी काफ़ी अच्छी है, 40 लोगों की आवश्यकता है, लेकिन इसमें डेडलाइन बहुत पास है, 4 तारीख इसकी लास्ट डेट है। जो लोग भी अप्लाई करना चाहते हैं वो इसमें अप्लाई कर सकते हैं। और इसमें से इंग्लिश का इफेक्ट बहुत ज़्यादा नहीं होगा क्योंकि ये एक स्किल जॉब है और स्किल जॉब के लिए थोड़ा कंप्रोमाइज VFS से भी होता है और कंपनी की तरफ से भी प्रायोरिटी होती है। और देखा जाए तो रिक्वायरमेंट एक्चुअली इसके लोगों के लिए काफ़ी अच्छी है जो रिजल्ट ओरिएंटेड हों, एनर्जेटिक हों और बहुत फुर्ती में काम करने वाले हों। अभी इसके अलावा दूसरी रिक्वायरमेंट हमारे पास में वो चिकन फैक्ट्री के लिए, चिकन फैक्ट्री में जो वर्क परमिट मिलेगा वो 3 साल का वर्क परमिट मिलेगा। बेसिक सैलरी होगी
13.8 पॉलिश जिलोटी, लगभग 14 पॉलिश जिलोटी जैसी होती है, और ये एक महीने की जो बेसिक सैलरी बनती है वो 2900 के लगभग बनती है, 2900 पॉलिश जिलोटी, जो कि इंडियन करेंसी में लगभग 57,000-58,000 रुपए के आसपास होती है। इसके अलावा उसमें ओटी अलग से मिलता है, फूड नहीं मिलता, एकोमोडेशन कंपनी तरफ से फ्री मिलता है, और इसमें से यंग एनर्जेटिक लोगों की आवश्यकता होती है, और जो लोग चिकन फैक्ट्री में काम कर सकें, कंफर्टेबल हो सकें, ऐसे लोगों की आवश्यकता होती है। इसके अलावा तीसरी और चौथी रिक्वायरमेंट है फिश फैक्ट्री और ग्लास फैक्ट्री के लिए। फिश फैक्ट्री में और ग्लास फैक्ट्री में जो रिक्वायरमेंट है उसमें सैलरी होगी 14 पॉलिश जिलोटी की, और उसमें से फूड अलग से होगा, एकोमोडेशन मीस फूड मिलेगा नहीं, फूड कैंडिडेट को खुद करना पड़ेगा, एकोमोडेशन कंपनी की तरफ से प्रोवाइड किया जाएगा। दोस्तों ये सभी प्रोफाइल्स में रिक्वायरमेंट है, बहुत सिंपल रिक्वायरमेंट है, क्वालिफिकेशन बिल्कुल कंपलसरी नहीं है, इंग्लिश कंपलसरी है। सो दोस्तों जो लोग भी इसमें इंटरेस्टेड हैं 4 तारीख तक हमारे ऑफिस में विजिट कर सकते हैं, डॉक्यूमेंट जमा कर सकते हैं। वैकेंसी कैसी लगी अगर पसंद आई तो लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे वीडियोस को लगातार देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, घंटी वाला ऑप्शन जरूर दबाएं, जिससे कि आपको आने वाले सारे वीडियोस के नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलेंगे। धन्यवाद।